दोस्तों, हम लोग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी यहीं जी लेते हैं और अंत में यहीं मर जाते हैं। हमारा हर सपना, हर वो व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप नफरत करते हैं, सब इसी ग्रह पर मौजूद होता है। इन बातों से हमें पृथ्वी की विशालता का अनुभव होता है कि हमारी पृथ्वी कितनी विशाल है। और जब भी हम रात को खुले आसमान की तरफ देखते हैं, तब हमको बहुत सारे स्टार्स यानी तारे दिखाई देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हर एक तारा हमारे अर्थ प्लैनेट से कई गुना बड़ा होता है। तब सवाल आता है कि आखिर कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या वो अनंत है? ब्रह्मांड के बाहर क्या है? ब्रह्मांड कितने किलोमीटर तक फैला होगा? ऐसे कई सारे सवाल आपके और हमारे मन में आते हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इस बात का पता लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि यह हर एक सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर यानी लाइट की स्पीड से फैलते जा रहा है। फिर भी जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर आज तक विज्ञान ब्रह्मांड को समझने की और नापने की लगातार कोशिश कर रहा है। और बहुत सारी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 93 करोड़ लाइट ईयर में फैला है। इसको किलोमीटर में मापना असंभव है। फिर भी उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 लाइट ईयर मतलब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। यानी रोशनी की किरण जिस दूरी को एक साल में तय करती है, उसको लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बोला जाता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो रोशनी की किरण 1 सेकंड में पृथ्वी के 3 चक्कर लगा सकती है। ये नंबर कुछ इस प्रकार होते हैं। अब आप खुद सोचो कि सिर्फ 1 लाइट ईयर का ही इतना किलोमीटर होता है, जिसकी संख्या भी हमें याद नहीं रह सकती, तो 93 करोड़ लाइट ईयर को किलोमीटर में नापना क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। चलिए और डीप में जाते हैं, जिससे पता चलेगा कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने चांद से। चांद हमें काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें रात को नंगी आंखों से साफ दिखाई देती है। परंतु चांद हमसे इतना करीब भी नहीं है जितना हमें लगता है, बल्कि चांद हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी है जिसके बीच में 30 पृथ्वी बड़े ही आसानी से आ सकती हैं। अगर हम किसी कार के जरिए चांद पर पहुंच सकें जिसकी स्पीड हो 100 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हमें 160 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने के लिए। और चांद से हमारी पृथ्वी का दृश्य कुछ ऐसा होगा। पृथ्वी काफ़ी बड़ी लग रही है, राइट? अब आइए देखते हैं हमारा यही नीला ग्रह मार्स से कैसे दिखता है, मंगल से कैसे दिखता है। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, यह मार्स से ली गई थी स्पेस प्रोब द्वारा। इसमें यह डॉट हमारी पृथ्वी है। मार्स से हमारी पृथ्वी की दूरी 225 माइल्स किलोमीटर है। अगर कभी हमें मार्स पर जाना पड़े तो हमें चांद से कुल 986 गुना ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रोशनी की किरण को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने के लिए, जिसका मतलब है कि इन दोनों ग्रहों के बीच इंस्टेंट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हम थोड़ा और दूर जाएं पृथ्वी से, तो हम देख सकते हैं वॉयेजर 1, जो इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी है, जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज से पृथ्वी की दूरी को कहा जाता है। अपने सफर में वॉयेजर 1 ने अपना कैमरा पीछे करके यह तस्वीर निकाली, जो कि देखने में इतनी खास नहीं है, परंतु यह पूरे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसमें जो यह सफेद नीले रंग का डॉट है, यह हमारी पृथ्वी है। इसी में अरबों लोगों ने जन्म लिया है और यहीं अपनी पूरी ज़िंदगी जी है। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। इस गति से इसे हमारे सौरमंडल को पार करने में और 30,000 साल लग जाएंगे। अगर हम अपने सूर्यमंडल से बाहर आ पाएँ तो हमें दिखेगा इंटरस्टेलर नेबरहुड, मतलब यह सब हमारे सौरमंडल के पड़ोसी हैं। यहाँ हम दूरी नापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बढ़कर लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं। सूरज के अलावा हमारा सबसे नज़दीकी सितारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे 4.26 लाइट ईयर दूर है, अगर वॉयेजर 1 उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसे 17,000 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और बाहर आते हैं तो हम देख सकते हैं हमारी पूरी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। हमारी पूरी आकाशगंगा एक कोने से दूसरे कोने तक करीब 1 लाख लाइट ईयर्स जितनी बड़ी है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ ग्रह हैं। अगर आपको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी काफ़ी विशाल लगती है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी आकाशगंगा भी एक छोटा सा हिस्सा है लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का, जिसमें हमारी आकाशगंगा जैसी विशालकाय 54 और आकाशगंगा हैं, जो फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर्स तक। अगर हम थोड़ा और दूर जाते हैं तो हमें दिखेगा वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसका लोकल ग्रुप भी एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक 11 करोड़ लाइट ईयर्स है, परंतु यह भी एक रेती के दाने जितना बड़ा विशाल है लनियाका सुपर क्लस्टर का, जो कि हमारी आकाशगंगा जैसी 1 लाख आकाशगंगाओं का घर है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक चौंकाने वाली 52 करोड़ लाइट ईयर है। अगर हम यहाँ से भी जूम आउट कर सकें पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को, तो हमें पता लगेगा कि लनियाका सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है उस ब्रह्मांड का, जिसे आज तक हम देख पाए हैं।
ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वह सब है जिसे आज तक हम देख पाए हैं। यहाँ कम से कम 2,00,000 करोड़ आकाशगंगाएं हैं और उन आकाशगंगाओं को मिलाकर इतने तारे हैं जितने की रेती के दाने पृथ्वी पर भी नहीं हैं। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लंबाई एक कोने से दूसरे कोने तक 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब है जिसको आज तक हम आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से देख पाए हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का केवल वही भाग है जहाँ से रेडिएशन या प्रकाश हमारे ग्रह तक पहुँच सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना भी कठिन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग की घटना के कारण हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था और ब्रह्मांड तब से फैलता ही जा रहा है। हमारे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाशगंगा, अनगिनत तारे और ग्रह मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड या तो अनंत है या ये इतना विशाल है कि हम कभी इसकी विशालता का अनुमान भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारा वजूद ही कहाँ है। जब हम ब्रह्मांड से हमारी पृथ्वी भी एक धूल के कण से भी छोटी नजर आती है, वहाँ हमारा वजूद क्या होगा? आप खुद सोच सकते हो। जिस ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की, हम उसको बचाने की बात करते हैं और एक दूसरे से धर्म, जात पात और मजहब के नाम पे लड़ते हैं। जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया, क्या उसको हम बचा सकते हैं? क्या उसको बचाने की हमारी कोई औकात है? जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, उसको अपनी रक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, चाहे आप किसी भी धर्म को मानें। ईश्वर को खुश करने के लिए बस शांति, श्रद्धा और प्रेम ही काफ़ी है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।